गाइस मैंने ऐसा सुना है कि इसकी यहाँ पे ना बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है, ठीक है, भूल भुलैया हुई है, ठीक है, भूमि, हाँ भूल भुलैया, पहेली और काफी सारे ऊपर तक था, काफी सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पे हुई है। और मतलब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे मतलब मान लो कि आप सपोज दैट कि आप वहाँ उस सीढ़ी पे बैठे हो और अगर आपने वो मार्क किया ना तो आप दोबारा से घूम के उस सीढ़ी के पास नहीं पहुंच सकते, मतलब आप रास्ता भटक जाओगे, तो इसलिए इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। पता है यहाँ से जैसे नहाते थे ना पहले, इसमें से बंदे कूदते थे तो जिंद कैच कर लेता था, पानी में ले जाता उनको। अब ये नई बात बता रहा है? नहीं, ऐसी तू कूद जा, तू गायब, बेवकूफ बना रहा है, चल ले अब सीधा सीधा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। पैसे तो दो भाई मेरे, किस चीज के गाइड नहीं मिला, सस्ता गाइड तेरे को, ऐसे गाइड को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, शराब। शराब, ये आगे जिन का बच्चा है, ये जिन का बच्चा है यहाँ पे, ये देखो खो गया था, दिखा ना, कोरिया से इम्पोर्ट कराया था, ये कोरी, हाँ ये कोरिया से इम्पोर्ट कराया था, कोरियन बच्चा है। तो मैं इसकी फोटो लगाए हुए मोमोज की दुकान खोलूंगा। चलो निया, चलो। तो वैसे गाइस आपको बताऊं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख भी रहे होंगे। अब गाइस चलेंगे हम सामने वाले मंदिर में, देखो मतलब हम तो ऑलरेडी इन जगह पे ऑलरेडी आ चुके हैं, देखो वो सामने मंदिर, गजनी के टाइम में उसमें आक्रमण हुआ था ऐसा सुनने को मिलता है। मतलब मैंने मतलब इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी है, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो मतलब जो एक दो बंदे यहाँ से मिले थे उनकी सुनी सुनाई बातें, मतलब वो भी ऑथेंटिक नहीं थे, तो इसलिए मेरी बातों के ऊपर यकीन मत करना, लेकिन इसके बारे में सर्च करना है। आवारे ने मंदिर का हिस्ट्री इतिहास जानना हो तो आप जरूर गूगल करके एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही पुराना मंदिर है और मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले एक बार आ चुका हूँ, तो अभी चल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफी सारे कमेंट्स रहते हैं लड़कियों के, जो हमेशा पूछते हैं दीदी आप कौन सी लिपस्टिक यूज करती हो क्योंकि आपके शेड्स बहुत प्यारे होते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ अपने लिपस्टिक शेड्स शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे यूज करती हूँ मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। गाइस ये 17 डिफरेंट यूनिक शेड में अवेलेबल है जो की इंडियन स्किन टोन को अच्छे से मैच करती है। गाइस ये मैट लिपस्टिक हाईली पिगमेंटेड है, ये आपके लिप्स को नरिशमेंट देती है एंड 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करती है। गाइस इसमें एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई की गुडनेस है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इसका फॉर्मूला नॉन ड्राइंग है, इसीलिए आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल टू वेयर है। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल और टॉक्सिन नहीं है, ये एवरीडे यूज के लिए सेफ है। गाइस ये 12 आवर्स लॉन्ग स्टे करता है विद वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, स्मच प्रूफ है एंड मेड सेफ सर्टिफाइड है। इसमें एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई है, एवोकाडो ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट होते हैं, ये आपके लिप्स को मॉइस्चर देता है, विटामिन ई पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है। तो मेरे पास है मामा अर्थ की लॉन्ग स्टे लिपस्टिक और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट शेड्स हैं, इनमें से मैं मेरे दो पर्सनल फेवरेट शेड्स चूज करके दिखाऊंगी। तो इनमें से मेरा फेवरेट है पीच न्यूड और ग्रेपफ्रूट पिंक, पहला शेड है ग्रेपफ्रूट पिंक, सेकेंड है हेजलनट ब्राउन, थर्ड है कार्नेशन न्यूड, फोर्थ है रेस्वरी स्कारलेट, नेक्स्ट है रेजिन पंच, दिस वन इज पीच न्यूड, नेक्स्ट है पिंक ट्यूलिप, लास्ट है मेलन रेड। सो गाइस आप फिंगर टेस्ट लेके देखते हैं, सो आप देख सकते हैं सारे ही शेड स्मच प्रूफ है। तो गाइस ये दो शेड मेरे पर्सनल फेवरेट है, पीच न्यूड एंड ग्रेपफ्रूट पिंक। तो अभी मैं इन दोनों को अपने लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ। गाइस जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर शॉपिंग पे जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, कहीं भी बाहर, तो आप इस तरह का ग्रेपफ्रूट पिंक बहुत ही वाइब्रेंट दिखता है। तो मैं लगा के दिखा देती हूँ अभी आपको। गाइस आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, ये नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है एंड वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, एक बार लगाने पे ही लग जाती है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। गाइस अगर आपको एथनिक वेयर पहनना हो या फिर एवरीडे लुक चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखना है, तो यू कैन ट्राई दिस शेड पीच न्यूड, मैं ये वाला शेड ट्राई करूंगी। तो गाइस एज यू कैन सी मेरी लिपस्टिक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और इस पे कितना सूट हो रही है। मामा अर्थ की लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक आपको 17 वाइब्रेट डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल हो जाएगी। बाहर भी होके आ गई हूँ और एज यू कैन सी ये लिपस्टिक अभी भी मेरे होठों पे टिकी हुई है, अभी भी है और बिल्कुल भी स्मच नहीं हुई है, 100% स्मच प्रूफ है। सो जस्ट अ स्वाइप एंड यू आर रेडी टू स्ले। मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात ये इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव है। जब भी आप इनकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर लिंक को एक ट्री से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाते हैं एंड मामा अर्थ का खुद का ऑफिशियल ऐप भी है, वहाँ पे सेल एंड डिस्काउंट चलते रहते हैं एंड ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे।
एंड एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड शक्तिवी2024 भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इन लिपस्टिक को मैं टैग भी कर रही हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ रही हूँ, तो जाओ जाके टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो। और मंदिर का व्यू देखो आप, कितना प्यारा और कितना जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बजरंगबली जी का मंदिर है, जय हो बजरंगबली। वैसे हमारे साथ बजरंगबली खुद है तो हमारे को कुछ हो नहीं सकता। इसमें थोड़ा सा भूल गया था इस मंदिर के बारे में आपको बताना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही पुराना विंटेज मंदिर है, मैं गजनी के टाइम की बात कर रहा था। तो मंदिर तो मैंने आपको सामने से दिखाई दिया, एक बार यहाँ पे आके इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। रोहित पास लिया, तो ये जो मंदिर था हर्षद माता का टेम्पल है, इसमें लिखा हुआ है इस विशाल मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद द्वारा 8th से 9वीं शताब्दी में किया गया था। मतलब ये मंदिर 1200 साल पुराना है ये मंदिर। गजनी 11वीं शताब्दी में आया था मोहम्मद गजनवी, तो उस टाइम का ये खंडित मंदिर है और उसने किया था। तो आप लगा लो ये ऑलरेडी 1200 साल तो ऑलरेडी पुराना है। तो अभी ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बहुत ही प्यारा सा है। मतलब जो मंदिर के टुकड़े जो छोटे छोटे मतलब टुकड़े हो गए ना, ये सारे इकट्ठे करके यहाँ पे सारे लगा दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो ये देखो टुकड़े, देखो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके सेपरेट करके लगा रखा है। और हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल पहले आए थे, तो मतलब काफी अच्छा व्यू था यहाँ पे, काफी अच्छा फील हुआ था। तो अंदर चल के दिखाता हूँ, बहुत प्यारा मंदिर है। देखो संकटा मैया थक गई, चल माता की मन्नत मांग, इससे अच्छा क्या होगा। आज के दिन तो मंदिर में आई है। 1200-1300 साल पुराना टेम्पल यार, मतलब चल मैं माता को स्थापित करवा दूं यहां ले जाके, माता की मूर्ति को स्थापित। ये तो चाइना में जाएगी ना, चिंकी है ना ये तो। हम कहां कहां से आए 1200 साल बाद, हमने कितने जन्म लिए होंगे यार, सोच सकते हो तुम। मैं तो सुअर बनाऊंगा है ना निया। चलो बेटा चलो चलो ऊपर, बहुत झलक दिखती है तेरे में अभी भी थोड़ी थोड़ी। जा मैं मजाक कर रहा था, मैं चिड़िया के पीछे भाग रही थी। गाइस बड़ा ही प्यारा सा मंदिर है ये, देखो आप सामने से देखो, इधर से मतलब खेतों के पूरे बीचों बीच में बना हुआ है। और ये देखो सामने से, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, अंदर नहीं जाता। ये देखो होते भगवान जी अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, अंदर लेके जाओ उसको, अंदर जाने के लिए कर रही हो। तो गाइस देखो निया मंदिर में प्रसाद लेने के लिए गई हुई है मम्मा के साथ में अपनी। ये देखो निया है ना भाई, बहुत वैसी है, मतलब इसको है ना भगवान भगवान ही ऐसी चीज़ है ना, बहुत विंड मतलब भगवान में इसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि है। ये देखो बहुत खुश होके आ रही है यहाँ पे, ऑलरेडी प्रसाद लेके आई है। देखो तो गाइज ये मंदिर देखो बिल्कुल खेतों के बीच में है, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। मैंने वैसे आपको ऊपर नहीं गया, मैंने नीचे से ही दिखा दिया आपको मंदिर। ये बहुत ही प्यारा है गाइज, मजा मतलब इस मंदिर को देख के ना बहुत अच्छा 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 फील हो रहा है। इस मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और भाई यहाँ पे घूम के देखो, ये अश्लील हरकतें कर रहे हैं, देखो ये बैठते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अश्लील हरकतें। ये देखो ये एक कह रहा है मेरे अंदर देवता आते हैं, मैं सिगरेट पी के ऐसे करता हूँ। आपको खंडित मूर्तियां रखी हुई है, देखो मंदिर के पीछे पूरा मतलब ये जो पुराने टाइम में जो मंदिर तोड़ा गया था ना, ये देखो सारी की सारी मूर्तियां। और यहाँ की जो मूर्तियां है ना वो आपको जयपुर में मिल जाएंगी, अल्बर्ट हॉल के अंदर यहाँ से मूर्तियां ले जाके वहां पे रखी हुई है। ये देखो यहाँ की ब्यूटी तो आपको पता ही, हमने पहले भी व्लॉग्स में दिखा रखा है, व्लॉग बना रखा है ना, मतलब हाँ, मजा को एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको दिल को जाके सुकून मिलता है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस आ रही है चेहरे पे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सनसेट जा रही है, देखो
सनसेट हो रहा, कितना प्यारा लग रहा है सामने से। तो गाइस अभी मंदिर हमने अच्छे से घूम लिया है और हमें बहुत मजा आया भाई यहाँ पे आके, और आपको भी कुछ नई चीज देखने को मिली होगी। वैसे ऑलरेडी हमने व्लॉग्स के अंदर 2-2.5 साल पहले दिखाया था, लेकिन वो व्लॉग्स पुराने हो चुके हैं और हमारी कुछ ऑडियंस डेड भी हो चुकी है। जो नई ऑडियंस जुड़ी हुई है उनके लिए एक नई चीज है ये, और हमारे भी कुछ यादें ताजा हो गई यहाँ से। तो जरूर यहाँ पे आप अगर राजस्थान आ रहे हो तो इसको अपनी लिस्ट में रखना, इस प्लेस को एक्सप्लोर जरूर करना, आपको सीरियसली बहुत मजा आने वाला है इस जगह पे। तो ये सच में यार बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह और आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन शाम को आना भाई गर्मियों के अंदर। देखो मियाँ देखो क्या देख रही है, भेड़े मियाँ, भेड़ चली जाएगी इतनी देर में, जल्दी देखो उनको, ये देखो निया भेड़ों को देख रही है यहाँ पे जाती हुई भेड़ों को। बकरी तो ये रोज देखती है, इसको लगा कुछ थोड़ा अलग अलग सी, कुछ अलग है वही तो, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको लग रहा था कुछ अलग तो है, भेड़ है ना ये। को देखा तो मैं पहचान गया एकदम से, मैं मैम को देखा पहले, देखा तो मैंने क्या थोड़ा सा लगा नहीं मेरे को कि आप ही ऐसा कुछ। आएंगे आएंगे कभी, अब तो कल जल्दी में है ना। अच्छा, अभी आप तो आए फिर दोबारा सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आऊंगा। देखो निया मेरे को 300 वाली तो बुला ले, निया को देखो घोड़ा बना दिया, गोला, मैं घोड़ा नहीं हूँ गोला हूँ गोला मेरे, ये रेस है ये कान की रेस है, जब भी इसको है ना थोड़ा भगाना होता है ना खींच देती है इनको। निया खींच दो, रेस बढ़ा दो। तो गाइज यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप है और देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, हैंडमेड चीजें मिल रही है यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो मुझे यहाँ पे छतरी लग रही है सोनम, सबसे बढ़िया मुझे छतरी लग रही है यार, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर है। भाई यहाँ से शाम के टाइम देखो मंदिर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और बाहर मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ पे, खाने पीने की और डेकोरेटिव चीजें बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, आप ले सकते हो अभी घूमने के लिए आओ तो। क्या खा रहे हो आप दिखाना, क्या खा रहे हो? ये देखो निया को मैंने एक यूनिक सी चीज दिलाई है, वो खा रही है निया। निया आप तो कुछ कर नहीं रहे, मैं रात को है ना गाय को है ना आटा खिला रहा हूँ, लो लो ये देखो, नहीं आटा खिला दिया निया गाय को।